यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊवाणी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगिनवाल। जी हाँ दोस्तों, CRA और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से चल रही हमारी 6 एपिसोड की श्रृंखला का आज 6ठा और अंतिम एपिसोड लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कोरोना वायरस से अति संवेदनशील ग्रुप कौन हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन से उपजने वाली अन्य उलझने क्या क्या हो सकती हैं। मेरे साथ है मेरा दोस्त नारायण। नारायण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बहादुर भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल, तो बहादुर भाई, पिछले एपिसोड में हमने बातचीत करी थी कोविड को लेके ही, और बहुत अच्छे से आपने मुझे कुछ चीजें साझा करी थी। जब से मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ तब से कई सारी चीजें मुझे समझने का मौका मिल रहा है और नई नई चीजें जानने का मन कर रहा है बहादुर भाई। आज हम कमजोर समूहों और आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के प्रभाव और बढ़ोतरी के बारे में बात करने जा रहे हैं नारायण। विशेष रूप से हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि लिंग आधारित हिंसा और महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली अन्य उलझनों को कम करने और आवाज उठाने में युवा कैसे योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बहादुर भाई, लेकिन एक चीज है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि कई सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनका मुझे सही जानकारी मिले। तो एक बात बताइए बहादुर भाई, जो महामारी और लॉकडाउन है, जो उससे उपजने वाली जो अन्य उलझने हैं वो क्या हो सकती है? नारायण, कोविड-19 के प्रकोप के बाद से फ्रंट लाइनर से मिले आंकड़ों और रिपोर्टों से पता चला है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, तेज हो गई है। इस प्रकार की हिंसा अक्सर समुदाय और समाज से छिपी रहती है और आम तौर पर प्रचलन में होने से इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए इसे महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली अन्य उलझने हैं जो कोविड-19 संकट के बीच बढ़ रही हैं। कोविड-19 मामलों से स्वास्थ्य सेवाओं, आवश्यक सेवाओं पर दबाव बने रहने की तरह घरेलू हिंसा आश्रय और हेल्पलाइन पर भी दबाव क्षमता से अधिक हो गया है। कोविड-19 के अस्तित्व में आने से पहले ही घरेलू हिंसा पहले से ही सबसे बड़े मानवाधिकार उल्लंघनों में शुमार थी। पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में 24.3 करोड़ महिलाओं और लड़कियों जिनकी उम्र 15 से 49 आयु वर्ग है को सुपरिचित साथी द्वारा यौन या शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया गया है। कोविड-19 एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जिसने पुरुषों से काफी अलग तरीकों से महिलाओं, लड़कियों, ट्रांसजेंडर और अन्य गैर बाइनरी व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया है। भारत में राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान यौन और लिंग आधारित हिंसा में 2 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर भाई, ये जो लिंग आधारित हिंसा है ये क्या है? नारायण, लिंग आधारित हिंसा, जिसे हम जेंडर बेस्ड वायलेंस भी कहते हैं, लिंग आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके लिंग के कारण निर्देशित हिंसा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे बाल विवाह, महिलाओं का खतना, ऑनर किलिंग, सेक्स या गुलामी के लिए तस्करी, सुपरिचित साथी द्वारा हिंसा, शारीरिक दंड, यौन, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक हिंसा। इन्हें हम कह सकते हैं कि लिंग आधारित हिंसा हो रही है। अच्छा, ये बताओ ये हम जैसे युवाओं को कैसे प्रभावित करता है? नारायण, लिंग आधारित हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस, सभी को प्रभावित करती है। ऐसे परिवारों जहां एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है में पले बड़े बच्चे भी इस हिंसा के शिकार होते हैं। कभी कभी शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा ही वो प्रभावित होते हैं। बच्चे ऐसी हिंसा के साक्षी होते हैं और यह धारणा बना सकते हैं कि ऐसा व्यवहार उचित या सामान्य है। दूसरे शब्दों में वे हिंसक मानदंडों को आत्मसात करते हैं। वे हिंसा की संस्कृति में पलते बढ़ते हैं जो उनके आत्म विकास और समाज में कार्य करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
लिंग आधारित हिंसा परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों, पड़ोसियों और समुदाय के सदस्यों को प्रभावित करती है। लिंग आधारित हिंसा की बहुत भारी आर्थिक कीमत होती है। इससे निपटने के लिए चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, पुलिस या न्याय प्रणाली जैसी विभिन्न सेवाओं की भागीदारी की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप पीड़ितों द्वारा संसाधनों या रोजगार की हानि होती है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा कई खराब स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ी हुई है, जिसमें चिंता, अवसाद, अभिघात जन्य तनाव विकार और दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य विकार शामिल है। यह लोगों को काम और शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर बनाता है और यह उनकी उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित बहुत से लोग घर पर नहीं रह सकते और उन्हें रहने के लिए जगह की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी वो बेघर हो जाते हैं। यदि इससे निपटा नहीं गया तो यह महामारी और लॉकडाउन से उपजने वाली अन्य उलझने COVID-19 के आर्थिक प्रभाव को भी बढ़ा देंगे। अच्छा, ये बताओ किसी भी रूप में हिंसा की पहचान कैसे करें? नारायण राष्ट्रीय महिला आयोग NCW को मार्च सितंबर 2020 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की 13,410 शिकायतें मिली, जिनमें से 4,350 घरेलू हिंसा की थी। लोग शारीरिक हिंसा, अपहरण, जबरन कैद, यौन हिंसा, जल्दी या जबरन शादी और सामुदायिक स्तर पर कलंकित किए जाने, धमकी जैसी सामाजिक हिंसा या किसी विशेष लिंग के आधार पर अलगाव सहित कई अलग अलग प्रकार की हिंसा का अनुभव करते हैं। वित्तीय हिंसा भी एक प्रकार की लिंग आधारित हिंसा है। यह संपत्ति की क्षति, वित्तीय संसाधनों, शिक्षा या श्रम बाजार तक पहुंचने को प्रबंधित करने या आर्थिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं करने के रूप में हो सकता है। ऐसे कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति को भावनात्मक नुकसान पहुँचाता है भावनात्मक हिंसा है। उदाहरण के लिए जबरदस्ती, मानहानि, मौखिक अपमान या उत्पीड़न को मनोवैज्ञानिक हिंसा के रूप में लिया जा सकता है। कुछ समूह हिंसा के प्रति अधिक आघात योग्य होते हैं, जिनमें गरीब, ग्रामीण या जनजाति समुदाय की लड़कियां और युवा महिलाएं, LGBTIQ+, दिव्यांग और राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों और लैंगिक असमानता के बारे में बोलने वाली लड़कियां और महिलाएं शामिल हैं। कुछ पहचान योग्य परिदृश्य: आपका साथी, परिवार के अन्य सदस्य आपको बांटते हैं, जलाते हैं, आग लगाते हैं, आपके बाल खींचते हैं, आपके सिर को सतह से टकराते हैं, आप पर चीजें फेंकते हैं या आप पर कट लगाते हैं। आपका साथी या परिवार के अन्य सदस्य आपको घर में बंद कर देते हैं। तीसरा, आपके साथी या परिवार के अन्य सदस्यों ने बहस के दौरान आपको घर से बाहर बंद कर दिया। चौथा, आपका साथी या परिवार के अन्य सदस्य आपको स्वयं से घर से बाहर जाने से रोकते हैं। अपने पुरुष साथियों की तुलना में लड़कियों को ऑनलाइन होने पर यौन हिंसा के अधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी उपस्थिति और व्यवहार के बारे में अधिक टिप्पणियां झेलनी पड़ रही हैं और उन्हें न बोलने और अपनी राय नहीं रखने के लिए अक्सर अधिक कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ, ये तो आपने बताया कि कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर बात करें भद्र भाई, तो ये जो लिंग आधारित हिंसा है, हिंसा को कैसे रोका जा सकता है? अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं को क्या करना चाहिए? देखो नारायण, हिंसा एक निजी मामला है। इसे चुनौती देने के लिए इसे उजागर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई करनी होगी। हिंसा की उपेक्षा करने वाले या लिंग आधारित भूमिकाएं थोपने और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना होगा। हिंसा को अपराध घोषित करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कानून को मजबूत करना होगा। बिल्कुल, किशोरों या हम सभी के लिए स्कूल में लिंग समानता के बारे में सीखना वैसे ही महत्वपूर्ण है जिस तरह बच्चों के खिलाफ हिंसा पर अंतर पीढ़ीगत संवाद को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सामुदायिक संवाद शुरू करने से लिंग आधारित हिंसा को बनाए रखने वाले दंड और प्रभुत्व के प्रति दृष्टिकोण को चुनौती मिल सकती है। हम सभी को उन मूल्यों को बढ़ावा देना और मजबूत करना चाहिए जो सबसे कमजोर और हाशिए में पड़े लोगों समेत सभी बच्चों और किशोरों के लिए अहिंसक, सम्मानजनक, पोषणकारी, सकारात्मक, लैंगिक समानता आधारित संबंधों का समर्थन करते हैं।
यदि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा का सामना कर रहा है तो हिंसा को रोकना महत्वपूर्ण है। हालांकि किसी और की सुरक्षा के लिए जाने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या आप स्वयं सुरक्षित हैं? क्या कोई है जिसे आप मदद के लिए बुला सकते हैं? इसके अलावा आपके पास हेल्पलाइन नंबर होना मददगार हो सकता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के लिए कानूनी पुलिस सुरक्षा के लिए कॉल करने में सक्षम होंगे। यदि कोई मित्र, परिवार का सदस्य हिंसा का सामना करने का अपना अनुभव साझा करता है तो उसे सुनना और उसकी सहायता करना महत्वपूर्ण है। उस समय निर्णयात्मक होने के बजाय उनकी स्थिति को समझना और उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है। मित्र या परिवार का सदस्य चाहे तो परामर्श केंद्र से संपर्क कर उनकी सहायता करना मददगार हो सकता है। बिल्कुल, एक बात बताइए बहादुर भाई कि लिंग आधारित हिंसा के लिए युवा समर्थन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नारायण, शारीरिक शोषण दुर्व्यवहार का सबसे पहचानने योग्य रूप है। अपराधी अक्सर लड़की या महिला को घायल करने के लिए शारीरिक बल, अपने शरीर या अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपके या आपके आसपास के लोगों के साथ जो हो रहा है उसे कम मत समझें या नजरअंदाज न करें, क्योंकि समय के साथ हिंसा आम तौर पर बदतर हो जाती है। हिंसा हमेशा शारीरिक ही नहीं होती। यदि आप या आपके आसपास कोई भी दुर्व्यवहार का सामना कर रहा है तो आप घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 द्वारा सुरक्षित कानूनी अधिकार के हकदार हैं। आप मौद्रिक राहत और रखरखाव के भी हकदार हैं। आप आय के अनुसार चिकित्सा व्यय और संपत्ति के नुकसान सहित रखरखाव के हकदार हैं। आप सुरक्षा के हकदार हैं। आपके द्वारा पुलिस से संपर्क करने के बाद एक मजिस्ट्रेट अपराधी को आप पर हिंसा करने, आपसे बातचीत करने, आपकी संपत्ति लेने या आपके परिवार या समर्थन करने वालों को डराने धमकाने से रोकने के लिए आदेश पारित कर सकता है। आप निवास के लिए भी हकदार हैं। आपको साझा घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। आपको मुआवजे का अधिकार है। आप मानसिक और शारीरिक चोटों के लिए हर जाने का दावा कर सकते हैं। कस्टडी, अदालत आपको बच्चों की अस्थायी कस्टडी दे सकती है। यह अंतिम आदेश से पहले हिंसा को रोकने के लिए अंतरिम आदेश भी पारित कर सकती है। कानूनी सेवा, महिलाओं को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिन्हें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिल्कुल नारायण, उपलब्ध सहायताएं और संपर्क नंबर मैं बताऊंगा। बिल्कुल, पहली जो सहायता है उसमें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पुलिस हेल्पलाइन है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। डायल करें 1091 या 1291 या 011-233-17004। एक और उपलब्ध सहायता है शक्तिशालिनी, जिसके लिए आप डायल कर सकते हैं 10920। शक्तिशालिनी महिला आश्रय सहायता के लिए आपको डायल करना होगा 011-243-7736 या 011-243-7737। एक और सहायता सार्थक के लिए आपको डायल करना होगा 011-26-85-3846 या 011-26-52-4061। एक अन्य सहायता जो आप ले सकते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के लिए, जिसके लिए आपको डायल करना होगा 10921 या 011-233-89680। जागोरी सहायता के लिए आपको डायल करना होगा 011-26-69-27-00। संयुक्त महिला कार्यक्रम, इस सहायता के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-246-19821। इसकी शाखाएं बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई में भी हैं। साक्षी हिंसा हस्तक्षेप केंद्र, इस सहायता के लिए आपको डायल करना होगा 0124-256-2336 या 501-8873। सहेली
एक महिला संगठन है। इनके लिए आपको संपर्क करना होगा 011-246-16485 और इसके लिए आप सिर्फ शनिवार को संपर्क करें। निर्मला निकेतन, इस सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 011-27-85-9158। नारी रक्षा समिति, इस सहायता के लिए आपको डायल करना होगा 011-23-97-3949। राही, अनाचार से उबरना और उपचार करना, बाल यौन शोषण से पीड़ित हो चुकी महिलाओं के लिए एक सहायता केंद्र है, जिसके लिए आपको संपर्क करना होगा 011 कोड लिखाकर 011-26-23-8466 या 26-22-4042 या 26-22-7647। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क माध्यम हेल्पलाइन चलाता है और कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, जिसके लिए आपको संपर्क करना होगा 011-24-31-6922 या 011-24-32-4503। लॉयर्स कलेक्टिव वीमेंस राइट इनिशिएटिव LCWRI घरेलू हिंसा के मामलों के लिए एक निःशुल्क कानूनी सहायता सेल चलाता है। अगर आप इसके लिए सहयोग या सहायता लेना चाहते हैं तो आपको संपर्क करना होगा 011-24-37-3993 या 011-24-37-2923 पर। चाइल्डलाइन, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 24 घंटे मुफ्त राष्ट्रव्यापी फोन के जरिए आपातकालीन हेल्पलाइन है, जिसके लिए आपको डायल करना होगा 1098 यानी 1098 पर। सार्थक, युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन और परामर्श हेतु आप सहायता ले सकते हैं, जिसमें आप डायल कर सकते हैं 9628052777 या 9628019278 या 9628019279। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स पर हेल्पलाइन बेटर ब्रीथर्स क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित है। अगर यहां से आप कोई सहयोग लेना चाहते हैं तो इसके लिए संपर्क करें 9628015969 या 9632154536 या 9628005278। श्रोता मित्रों, यंग वॉरियर की 6 एपिसोड की श्रृंखला भारत के युवाओं को COVID-19 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अधिक संवेदनशील बनाने का एक प्रयास था, ताकि वो महामारी के दौरान अपनी, अपने परिवार और अपने समुदाय की रक्षा कर सकें। हम #YoungWarriorNext नाम से एक नया कार्यक्रम भी शुरू करना चाहते हैं। बेहद सफल यंग वॉरियर पहले की तर्ज पर यंग वॉरियर नेक्स्ट युवा योद्धाओं को सफल जीवन जीने और कैरियर बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जीवन और रोजगार योग्यता कौशल से लैस करके उन्हें युवा नेताओं में बदलने पर केंद्रित है। इसमें आत्म जागरूकता, सहयोग, समस्या समाधान, संचार और निर्णय क्षमता के 5 प्रमुख जीवन कौशल शामिल होंगे और रोजगार कौशल होगा जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी तत्परता कौशल को कवर करता है। यह कार्यक्रम युवा लोगों के लिए आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण समर्थन को भी पूरा करेगा। युवा लोग यंग वॉरियर नेक्स्ट यानी युवा लोग #YoungWarriorNext का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? नंबर 1, व्हाट्सएप है YWNXT टाइप करें और 9650414141 पर भेजें। फेसबुक पर यू रिपोर्ट इंडिया फेसबुक पेज पर जाएं और YWNXT टाइप करें और भेजें। अधिक जानकारी के लिए www.uwah.org/youngwarrior में लॉगिन करें। हम
युवा योद्धाओं को यंग लीडर्स और चेंज मेकर में बदलने की अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए अधिक प्रासंगिक सामग्री के साथ जल्द ही वापस आने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं। अगली बार तक के लिए आपके लिए कुछ सवाल जवाब हैं। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ साथियों से कुछ सवाल पूछते हैं और जानते हैं उनसे उनका जवाब। अभी हमारे साथ है हरीश ब्रिज जी। तो हरीश ब्रिज जी, एक सवाल है, अगर कोई शिक्षक गाली गलौज और अपमानजनक टिप्पणियों के साथ किसी छात्र से दुर्व्यवहार कर रहा है तो क्या वह हिंसा है? आपको क्या लगता है? दो ऑप्शन है, नंबर एक हाँ, नंबर दो नहीं। पहला ऑप्शन मैं मानूंगा हाँ, क्योंकि वो हिंसा है और दुर्व्यवहार अगर कर रहा है तो बच्चे के साथ वो हिंसा कहलाएगा। जी सही कहा हरीश जी, यह सही उत्तर है। यह मनोसामाजिक या भावनात्मक हिंसा का एक रूप है और यह केवल घरेलू घरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है हमारे साथी हिमा के लिए कि लिंग आधारित हिंसा प्रभावित करती है। इसके लिए तीन ऑप्शन है, केवल महिलाओं को, नंबर दो महिलाओं और बच्चों दोनों को, या नंबर तीन सभी को। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तीसरा ऑप्शन, सभी को ये प्रभावित करती है। जी हाँ, क्योंकि लिंग आधारित हिंसा सभी को प्रभावित करती है। लिंग आधारित हिंसा की देश को बहुत भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। अभी हमारे साथ है परवीन शर्मा जी और हम तीसरे सवाल को लेकर उनके पास पहुँचे हैं। यदि शारीरिक दुर्व्यवहार के कोई निशान नहीं है तो यह तकनीकी रूप से दुर्व्यवहार नहीं है और इसकी सूचना नहीं दी जा सकती। इसके लिए सर दो ऑप्शन है, नंबर एक क्या यह सही है, या नंबर दो ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये कथन जो है असत्य है। जी हाँ बिल्कुल, ये असत्य है, क्योंकि दुर्व्यवहार शारीरिक, वित्तीय, भावनात्मक आदि हो सकता है और दुर्व्यवहार के सभी लक्षण केवल शारीरिक प्रकृति के नहीं होते। यदि आप या आपके आसपास कोई भी दुर्व्यवहार का सामना कर रहा है तो आप घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 द्वारा कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के हकदार हैं। श्रोता दोस्तों, युवा योद्धाओं के लिए कुछ कार्य हैं जो उन्हें करने चाहिए। नंबर एक, किसी भी नजदीकी सार्वजनिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, पंचायत से संपर्क करें और इस पर चर्चा शुरू करें कि क्या संस्थान में कोई लैंगिक संवेदनशील कार्यक्रम पाठ्यक्रम मौजूद है। यदि नहीं तो क्या इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर दो, नॉलेज हब PRACHICP.com/youngwarriors/index.html पर जाएं और लिंग आधारित हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य पर हब से किसी भी संसाधन सामग्री को अपने समुदाय, आस पड़ोस के 10 सदस्यों के साथ साझा करके जागरूकता फैलाएं, या अपनी पसंद की किसी स्थानीय समाचार पत्र का उपयोग करके ऐसा लेख चुनें जिसमें लिंग आधारित हिंसा पर रिपोर्ट की गई हो, फिर रिपोर्ट की जा रही हिंसा को पढ़ें और पहचानें और इस जानकारी को किसी परिजन या समुदाय के किसी सदस्य के साथ साझा करके बातचीत शुरू करें और विभिन्न प्रकार की हिंसा और उनके प्रभाव के बारे में बातचीत करें। युवा अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ दो हेल्पलाइन नंबर भी साझा कर सकते हैं जिसका उपयोग वे विभिन्न प्रकार के हिंसा से खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने युवाओं के लिए फेमस लोक गायक प्रह्लाद सिंह मेहरा जी की आवाज़ में एक गीत लेकर आए हैं जो युवाओं को पहाड़ में रहने और पहाड़ के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। चंदना प्यारा पहाड़ आए आए चंदना
बैसाख जेठ आषाढ़ा हरी भरी रो मेरो पहाड़ा चैत बैसाख जेठ आषाढ़ा हरी भरी रो मेरो पहाड़ा हिसालू किल मोड़ी दाढ़ी मा खू मानी हिसालू किल मोड़ी दाढ़ी मा खू मानी रसीला सेव का फल खजाले चंदना चंदना न्यारा पहाड़ आए आए चंदना न्यारा पहाड़ आए तो श्रोता मित्रों, ये था रेडियो कुमाऊँवानी से प्रस्तुत यंग वॉरियर कार्यक्रम और उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। साथ ही यह कार्यक्रम आपके लिए और समुदाय के युवाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आगे भी रेडियो कुमाऊँवानी CRA और यूनिसेफ के सहयोग से अन्य कार्यक्रमों की श्रृंखला लेकर आती रहेगी, लेकिन तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से रेडियो कुमाऊँवानी द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।